हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता मनोज कुमार को कौन नहीं जानता है, लेकिन क्या आपको पता है उनका बेटा भी बॉलीवुड में हीरो बनकर आया था, जिसका नाम कुणाल गोस्वामी है। लेकिन अफसोस कि पापा के स्टारडम के चलते काम तो मिला, लेकिन वो आगे सफल नहीं हो सके। मनोज कुमार की चाह थी कि उनका बेटा उनकी ही तरह नाम और शोहरत दोनों कमा ले, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में कुणाल गोस्वामी महाफ्लॉप साबित हुए। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने एक्टिंग से किनारा कर लिया। एक्टिंग छोड़ते ही मनोज कुमार की बेटी की किस्मत चमक गई। फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने के बाद अब कुणाल गोस्वामी क्या कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। कुणाल गोस्वामी को भले ही आप भूल गए हों, लेकिन यकीनन आप 80 के दौर का गाना नहीं भूले होंगे, जिसको किशोर कुमार ने गाया था, जिसके बोल हैं, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। ये गाना उस दौर का सुपरहिट गानों में शुमार था। क्या आप जानते हैं कि इस गाने में नज़र आ रहे हीरो मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ही थे, जिसे हीरो बनाने के लिए मनोज कुमार ने जमीन आसमान एक कर दिया था। हरि कृष्ण गोस्वामी, जो फिल्मों में मनोज कुमार के नाम से मशहूर हुए, 24 नवंबर 1961 में उनके घर किलकारियां गूंजी और घर में बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम बड़े प्यार से कुणाल गोस्वामी रखा गया। इधर बेटा बड़ा हो रहा था और उधर बॉलीवुड में पिता राज कर रहे थे। वो दौर मनोज कुमार का ही था। एक के बाद एक फिल्मों में नज़र आ रहे मनोज कुमार की सारी फिल्में हिट हो रही थीं। कुणाल भी बड़े हो रहे थे और पढ़ाई के साथ साथ पिता को शूटिंग पर जाते देखा करते थे। कई बार तो पिता के साथ वो सेट पर भी चले जाते थे। धीरे धीरे उनका मन भी फिल्म दुनिया में ही लग गया। मनोज कुमार की ये दिल्ली तमन्ना भी पूरी हुई। बेटा जवान हुआ तो 1979 और 80 के दौरान कुणाल कुछ 18 साल के होंगे। पिता मनोज कुमार ने उन्हें बुलाया और बोले, एक बड़े प्रोजेक्ट की फिल्म बन रही है, उसमें तुमको भी मेरे साथ काम करना है। कुणाल भी चाहते थे कि किसी तरह वो फिल्मों में एंट्री मिल जाए। उन्होंने तुरंत अपने पिता को हाँ कह दिया और पिता के साथ शूटिंग भी शुरू कर दी। दिलीप कुमार, शशि कपूर, विनोद खन्ना जैसे दिग्गजों से सजी फिल्म 1981 में आई, जिसका नाम था क्रांति। फिल्म हिट, गाने सुपरहिट और कुणाल ने भी बॉलीवुड में थोड़ी बहुत पहचान बना ली। बाल कलाकार के रूप में नजर आए कुणाल को अब पिता मनोज कुमार हीरो बनाकर बॉलीवुड में डेब्यू कराना चाहते थे। उन्होंने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया और बात भी बन गई। उनको एक साथ 3 फिल्मों के ऑफर आए और तीनों फिल्मों में उन्हें साइन कर लिया गया। प्रकाश मेहरा और शशि कपूर मिलकर फिल्म बना रहे थे। कुणाल का नाम उन तक पहुंचा तो ऑडिशन के लिए बुलाया गया। ऑडिशन पास करने के बाद कुणाल फिल्म में युवराज का रोल प्ले किया। 1983 में आई फिल्म गुरु थी। शशि कपूर, स्मिता पाटिल, वाहिदा रहमान जैसे चेहरों के होते हुए भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई। कुणाल के कैरियर के लिए ये एक झटका सा था। दूसरी फिल्म जो तमिल फिल्म की रीमेक थी, जिसमें उनके पिता ने उन्हें लीड हीरो बनवा दिया था। सबसे खास बात थी कि इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी श्रीदेवी। वो फिल्म भी 1983 में रिलीज हुई। नाम था कलाकार। इस फिल्म का एक गाना तो आज भी आप लोगों को याद होगा, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। फिल्म के गाने भले ही हिट हो गए, लेकिन कलाकार बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाए। तीसरी फिल्म में भी मनोज कुमार की वजह से कुणाल को लीड हीरो बनाया गया। ये फिल्म भी 1983 में ही रिलीज हुई। नाम था दो गुलाब, जिसमें एक हिंदू युवक हीरो को ईसाई लड़की रूबी से प्यार हो जाता है, लेकिन ना तो फिल्म चली और ना ही फिल्म के गाने। एक के बाद एक तीनों फिल्में फ्लॉप साबित हो गई। इसके साथ ही कुणाल के कैरियर पर बट्टा लगने लग गया। मनोज कुमार भले ही बेटे को खुद जैसा स्टार बनाना चाहते थे, लेकिन कुणाल में पिता जैसा बात नहीं थी। औसत चेहरा और औसत अभिनय को देखकर फिल्म मेकर्स भी उनसे दूरी बनाते जा रहे थे। वो तो बस पिता के चक्कर में उन्हें फिल्में मिल रही थी। 1986 में उनकी फिल्म रिकी, जो फिल्म फ्लॉप हुई, एक बार फिर उन्हें अभिनय का मौका मिला। इस बार उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ बनी। 1989 में आई फिल्म आखिरी बाजी। फिल्म तो चली, लेकिन सारा क्रेडिट गोविंदा के पल्ले में चला गया और कुणाल ठन ठन गोपाल की तरह बैठे रह गए। अब उनको हीरो की जगह साइड रोल ऑफर होने शुरू हो गए। 1990 में पाप की कमाई, 1991 में
दो फिल्म नंबरी आदमी और बीस कनिया इनका भी हाल कुछ ऐसा ही था, ना तो फिल्में कुछ कमाल कर पाए और ना ही कुणाल की एक्टिंग। अब तो फ्लॉप बेटे की कैरियर की नाव मनोज कुमार चला रहे थे। मनोज कुमार की बात पर भी उन्हें काम मिलना बंद हो गया। कई सालों तक वो बॉलीवुड से गायब रह गए, लेकिन 1999 में मनोज कुमार फिर से बेटे को हीरो बनाकर ले आए, खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला और फिर बनाई जय हिंद। ऋषि कपूर के साथ बेटे को हीरो बनाने की योजना भी मनोज कुमार की फ्लॉप हो गई। फिल्म भी फ्लॉप हो गई और मनोज कुमार का प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया। कुणाल ने अब बड़े पर्दे से निकलकर छोटे पर्दे पर एक्टिंग करने की सोची। टीवी पर कुछ सीरियल्स जैसे भारत के सहित, किट्टी पार्टी और परंपरा में वो नज़र आए, लेकिन फिर वही ना दमदार एक्टिंग और ना ही लुक, दोनों में वो मात खा गए और यहाँ भी उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। अब तक कुणाल को समझ आ गया था कि एक्टिंग की दुनिया में उनके लिए बहुत कुछ नहीं है। कई बार नाकामी हासिल करते हुए आदमी टूट जाता है, लेकिन सच तो ये होता है कि ईश्वर ने उसके लिए कुछ और सोचा होता है, और ऐसा ही कुछ कुणाल के साथ भी हुआ। एक्टिंग छोड़ते ही मनोज कुमार के इस महाफ्लॉप बेटे की किस्मत ऐसी चमकी जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। कुणाल को कैटरिंग का बिजनेस पसंद था, सोचा क्यों ना इसी में किस्मत आजमाई जाए। पैसों का इंतजाम करके उन्होंने दिल्ली में कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका फैसला क्या रंग लाने वाला था। किस्मत जैसे उनकी कैटरिंग बिजनेस शुरू करने का इंतजार कर रही थी। फिल्मों का सफर फ्लॉप एक्टर कुछ ही समय में कैटरिंग के बिजनेस का सुपरस्टार बन गया। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। ये थोड़े ही दिनों में उनकी इतनी कामयाबी दे गया और वो टॉप कैटरिंग कंपनीज में शामिल हो गए, मालिक बन गए। एक हिट को तरसने वाले कुणाल गोस्वामी करोड़ों में खेलने लगे। कुणाल कैटरिंग बिजनेस के बादशाह बन चुके हैं और अब बॉलीवुड को कड़वी यादों को भूलकर वो एक मशहूर बिजनेसमैन बन गए हैं। एक्टिंग छोड़ना ही रातों रात उनका नसीब चमक गया।